सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग एल्विस भाई के साथ कैसे आप लोग बैनर एडिटिंग कर सकते हो, वो भी साथ में फ़ोटो लगाकर, वो भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। तो आपको ये वाला पीएनजी, तो आप देख सकते हो मेरा पहले कुछ फ़ोटो ओरिजिनल एडिट किया हुआ, कोई सा भी आप ले लीजिएगा और उसको फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को कटआउट कर दीजिएगा। कटआउट करने के बाद आप लोग को, तो आपको ये वाला पीएनजी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर बहुत ही इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और वो भी फुल एचडी क्वालिटी में। आप लोग को ये वाला बैनर मिल जाएगा वहाँ पे। अगर आप एल्विस भाई से आप प्यार करते हो, उनको जिताना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरह से बैनर एडिटिंग करके आप लोग जितना शेयर कर सकते हो। तो मेरा कुछ पहले इस तरह का फ़ोटो था, इसको हम कटआउट किए थे। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन कॉल पर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। चलिए तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो सिंपली आप लोग बैनर को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से, उसके बाद अपना बैनर को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपना फ़ोटो को ऐड करेंगे और वो भी देख सकते हो आप, बैनर फुल एचडी क्वालिटी में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो अपना फ़ोटो कटआउट किए हैं उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद जो आप कटआउट किए फ़ोटो उसको ऐड कर लीजिएगा। सिंपली हम भी ऐड कर लेते हैं, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो इतना कुछ करने के बाद, अब इतना करने के बाद आपको सनलाइट वाले पीएनजी ऐड कर लेना है एक, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से सनलाइट ऐप सर्च कीजिएगा। तो ऐड करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग है उसको हम लोग कर लेंगे स्किन। यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इसका उसका स्किन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका जो सैचुरेशन रेड है उसको हम लोग वाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे सैचुरेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसका सैचुरेशन फुल माइनस करके यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद तो इसको हम जो सनलाइट का पीएनजी ऐड किए थे उसको हम लोग अपने फोटो को बैकग्राउंड में करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे मूव डाउन करना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ़ोटो के पीछे चल गया है ये वाला पीएनजी। तो इसको ऑपेसिटी हम लोग फुल ही रखेंगे और उसके बाद यहाँ से थोड़ा इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे कर लेंगे हम लोग क्लिक, सॉरी, और जो नीचे इसको है इसको हम लोग पहले रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये बैनर, तो इसके लिए इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और जो हमारे ये वाले लेयर के ऊपर आ रहा है इसको हम लोग बॉडी को रिमूव कर लेंगे। तो पहले इसको अच्छे तरीके से पूरा रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो ये जो आपको वाइट वाला लाइन दिख रहा है उसके ऊपर ही हम लोग को अपने फ़ोटो रखना है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप भी अच्छा तरीके से ये बैनर एडिट कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से मेरा फ़ोटो बैनर में ऐड हो चुका है। तो इतना करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है हम लोग को। राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब अपने बैनर में थोड़ा अच्छा तरीके से सैचुरेशन डालेंगे एंड क्लियरिटी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो आप देखते हो कितना ही बवाल तरीके से बैनर एडिट हो गया है और वो भी प्रोफेशनल तरीके से। तो यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है हम लोग को। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरिटी को हल्का हम लोग बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, हर एक करीब 4-5 के करीब रखना है और सैचुरेशन को भी उतना ही करीब रख के सेफ फोटो को कर लेना है। और उसके बाद फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कर्व वाले ऑप्शन पर आप इस बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ब्लू वाले कलर को सिलेक्ट करना है और आपको हल्का ऊपर की ओर करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो फाइनली मेरा बैनर एडिटिंग हो गया है और वो भी बहुत ही बवाल तरीके से। आप इसको आप पोस्टल निकलवा भी सकते हो और जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। तो आप देख सकते हो इतना ही बवाल तरीके से बैनर एडिटिंग हो गया और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जितना स्टोरी लगा के आप शेयर कर सकते हो और एल्विस यादव को वोट कर सकते हो आप। चलिए तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से फ़ोटो कर लें सेव।